बीच में कुछ नहीं ऐसी बात करते करते बोलने लगे कि हम शादी करेंगे, तो बोले कि हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो माँ बाप से पूछ के करेंगे, तो माँ बाप को बोले तो माँ बाप नहीं गए थे। हाजी ये राजी हुई, इसके माँ बाप फिर आया तब ये हुआ शादी, पहले नहीं कह रहे थे, मना कर रहे थे। यूँ तो आप इश्क के कई किस्से और कहानियों के चर्चे सुने होंगे, लेकिन जहानाबाद के एक प्रेमी युगल की कहानी में सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसका अंत भी काफी अच्छा ही रहा। दरअसल हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद स्टेशन कैंपस के बड़ा भगवान मंदिर में सैकड़ों लोगों के बीच प्रेमी युगल को शादी रचानी पड़ी। दो साल बीच में कुछ नहीं ऐसी बात करते करते बोलने लगे कि हम शादी करेंगे, तो बोले कि हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो माँ बाप से पूछ के करेंगे, तो माँ बाप को बोले तो माँ बाप नहीं गए थे। यही में बोले कि नहीं करेगी तो हम रेल में कट के मर जाएंगे और सबको फंसा देंगे, इसी चलते हम इसके साथ में भाग गए। भाग गए तो फिर मेरा माँ बाप बुलाया कि आओ कोर्ट से शादी कर लेंगे, तो अभी हमको जहानाबाद ला करके छोड़ के चला गया। फिर बरियाड़ी चला गया, तो फिर ला के बरियाड़ी शादी कराया गया, लाकर फिर शादी कराया गया। कहाँ शादी हुआ? बताते चले कि शहर के रामगढ़ मोहल्ले के रंजन कुमार को 2 साल पहले करोना गांव के उषा कुमारी के साथ आंखें चार हुई। धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें होने लगी। बातें होते होते दोनों का प्यार परवान इतना चढ़ गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसकी जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद लड़की वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद प्रेमी युगल कोर्ट मैरिज करने के ख्याल से पूरी प्लानिंग के तहत आज घर से भाग गए। 2 साल से चल रहा है, मिले थे इसकी बहन लगती है, उसके साथ में मिले थे, उसके बाद मिले थे पहले, अब इतना याद नहीं कहाँ मिले थे। मिले थे, इसके माँ बाप को ये बताई थी, इसके माँ बाप मना कर दिया शादी करने के लिए, उसके बाद ये भागी हमारे साथ। आज कैसे हुआ? आज ये राजी हुई, इसके माँ बाप फिर आया तब ये हुआ शादी, पहले नहीं कह रहे थे, मना कर रहे थे। क्या कह रहे? शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो आज कैसे फिर माने? पता नहीं वो लोग जाने कैसे मान गए। अच्छा, तो तैयार थे पहले से? हम तो तैयार थे, तभी तो लेके आए हम। अच्छा, तो आप दोनों साथ में आए थे? हाँ, साथ में आए थे, साथ में गए थे, साथ में लेके आए। तो शादी करने के लिए हमारे माँ बाप को भी मारा है लोगों ने। इधर लड़की के घर वाले लड़की को घर में ना पाकर इधर उधर खोजबीन शुरू कर दी। इसी दरमियान पता चला कि रंजय और उषा दोनों स्टेशन परिसर स्थित बड़ा भगवान के मंदिर में शादी करने पहुंचे हैं। जानकारी मिलते ही लड़का और लड़की के परिवार भी पहुंच गए। काफी देर तक दोनों में समझाने का दौर चला। बाद में स्थानीय लोगों की पहल पर दोनों परिवारों की रजामंदी हुई और फिर मंदिर में शादी रचा दी गई। वहीं शादी देखने को लेकर मंदिर में लोगों की भीड़ भी लग गई। तो दोनों को एक शादी समारोह के दौरान बातचीत हुई थी और बीते 2 साल से बातचीत के बाद दोनों में लड़का और लड़की में शादी की सहमति थी, लेकिन लड़का के जो घर वाले थे उनमें थोड़ा सा अनबन चल रहा था, तो लड़की और लड़का का दोनों का जब सहमति बना तो ये दोनों घर से निकल गए। फिर परिजनों की जानकारी हुई, परिजनों ने हमें एक जिला अध्यक्ष होने के नाते जानकारी दी, हमने दोनों गार्जियन लड़का और लड़की के गार्जियन से संपर्क करके और दोनों को राजामंदी किया और आज रेलवे स्टेशन स्थित ब्रह्म मंदिर में लड़का और लड़की के सहमति के उपरांत लड़की के पिता और लड़का के पिता अन्य परिवार के सहमति से आज खुशी खुशी ये मंदिर में शादी करा दी गई है हम लोगों के सहयोग से। अब ये दोनों पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में बंध गए हैं, अब इन लोगों में कोई किसी प्रकार का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, अब दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, आज से दोनों दाम्पत्य जीवन जिएंगे। जहानाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।